अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के मौत का तांडव देखें? इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। हमारी मातृभूमि पे हम एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एस्टेरॉयड का सरफेस मैप है। एस्टेरॉयड के पिछले हिस्से में एक बड़ा होल है और ये होल एस्टेरॉयड के लगभग सेंटर तक गहरा है। सेंटर ही इसका वीकेस्ट पॉइंट है। अगर हमने उस होल में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा और धरती से अलग दिशा में चला जाएगा। यह है सेफ्टी लाइन। इससे पहले कि एस्टेरॉयड सेफ्टी लाइन से आगे बढ़े, हमें इसे ब्लास्ट करना होगा ताकि यह धरती के ग्रेविटी जोन में आ ही ना सके। अगर एस्टेरॉयड ने सेफ्टी लाइन को पार कर लिया तो उसे ब्लास्ट करने का कोई फायदा नहीं है, धरती उसका शिकार हो ही जाएगी। सेफ्टी लाइन क्रॉस करने में हमारे पास अभी 6 दिन है। मीडिया की नजर में आए बिना क्या यह मुमकिन है कि हम एक रॉकेट लॉन्च करके ब्लास्ट कर सकें? मुमकिन है चीफ। सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम के नाम पर हम लोग रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्च करना, ये न्यूज आजकल कॉमन हो गई है। चीफ, ब्लास्ट वाली बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक परेशानी है। इतना बड़ा और पावरफुल मिसाइल भारत के पास नहीं है, ना ही किसी और देश के पास। सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन में पीस ट्रीटी साइन की थी, जिसके मुताबिक कोई भी देश 20 किलो टन से ज्यादा न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसे एस्टेरॉयड को ब्लास्ट करने के लिए कम से कम 200 किलो टन की जरूरत है। चीफ, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कुछ बात कहनी है, अगर परमिशन हो। बेझिझक कहिए कैप्टन। चीफ, कुछ ऐसे भी देश है जिन्होंने छुप के ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर वेपन्स खरीदे, तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आतंकवादियों की तरह हमें भी न्यूक्लियर छिपकर खरीदना पड़ेगा? सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। दिस मीटिंग इज अडजर्न। इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को ट्रेस करो। अगर मेरे आइडेंटिफिकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की तो मैं कॉल कट करके अपना काम बंद करके गायब हो जाऊंगा। मैंने भी तुम्हें काम के लिए ही फोन किया है। अच्छा, बोलो क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज, 200 किलो टन न्यूक्लियर मिसाइल। तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? 200 किलो टन न्यूक्लियर मिसाइल एक देश को खत्म करने के लिए काफी है, किसी ब्लैक मार्केट में नहीं मिलेगा। तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। फौरन कॉल कट करो और साथ ही साथ हमारे सारे कनेक्शंस भी कट करो। रुको, मेरी बात सुनो। एक ही जगह है जहां वो मिसाइल मिल सकता है। उन्होंने एक 200 किलो टन का न्यूक्लियर मिसाइल खुफिया तौर पर छुपा कर रखा है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसकी क्या गारंटी है? उस मिसाइल की सारी डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ, उसे देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। क्या हम लोग इंडियन एम्बेसी से मदद नहीं मांग सकते? नहीं, ये ट्रीटी के खिलाफ होगा। वो लोग इससे कभी सहमत नहीं होंगे, और फिर बाकी देश उनकी इस हरकत की वजह से कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने हमारी मदद से इनकार कर दिया तो क्या उपाय है चीफ? सिर्फ एक ही उपाय है। अब मैं आप लोगों से एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो रिकॉर्ड्स में नहीं है। यह एक सीक्रेट मिशन है और इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर सबको भेजी जाएगी। इसलिए हमें मिसाइल चुराना होगा। चीफ, किसी और देश की मिसाइल चुराने से वॉर की संभावना हो सकती है। नहीं, उनका यह मिसाइल रखना इलीगल है। वो तो मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते हैं। हाँ, लेकिन मिसाइल चुराना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, क्योंकि वो मिसाइल उनके देश में नहीं है। उसे ऐसी जगह रखा गया है जहां से वो दुनिया में कहीं भी वार कर सके। वो स्पेस में है। ये स्पेस में रिसर्च सेंटर के तौर पर पार्क किया गया है, लेकिन असल में ये एक मिलिट्री बेस है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य में
उनके देश पर किसी भी तरह की आंच आई तो गैर कानूनी तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए इस मिसाइल को वो किसी भी कंट्री पे टारगेट कर सकते हैं, और ये इतना ताकतवर है कि न सिर्फ वो कंट्री बल्कि आसपास की कंट्रीज का बच पाना भी मुश्किल होगा। इस मिसाइल का अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो धरती से मानव जाति भी खत्म हो सकती है। भविष्य में वॉर्स स्पेस से ही लड़ी जाएंगी, उन लोगों ने यह कदम उठाया है, और स्पेस में भी एक सिक्योर्ड वॉल्ट के अंदर रखा गया है यह मिसाइल। उनके अलार्म सिस्टम से बच के अंदर जाना लगभग नामुमकिन है, और अगर किसी तरह अंदर चले भी गए तो वहां हमें एक बड़ी फौज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे वॉल्ट को तोड़कर उसके अंदर जाना, हमारी टीम को ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है चीफ। इसके लिए हम सिर्फ अपनी टीम पर निर्भर नहीं रह सकते, इस मुश्किल काम के लिए हमें एक एक्सपर्ट की खास जरूरत पड़ेगी। सो माय फ्रेंड्स, उसमें दाखिल होने के लिए हमें एक शातिर चोर को हायर करना होगा। हाँ? What? इतने गंभीर मिशन को पूरा करने के लिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और वो भी किसी चोर पे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, 4 करोड़ जिंदगियों को बचाने के मिशन में एक चोर को हायर करना क्या कोई गुनाह है? क्या मेरा यह फैसला आपको गलत लगता है? आपके दिए हुए ऑर्डर्स को हम बिना किसी सवाल के मानेंगे चीफ। वेटिंग फॉर योर कमांड्स चीफ। हम आपके साथ हैं चीफ। तो ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके हमें दुनिया का सबसे स्मार्ट चोर ढूंढना है। यह एस्टेरॉयड 60 स्क्वायर किलोमीटर का है, अगर यह धरती पर गिर जाए तो ना जाने कितने शहर तबाह हो जाएंगे, और उस जगह पर इतनी बर्बादी होगी कि वो जमीन अगले 100 सालों तक बंजर हो जाएगी। यह एस्टेरॉयड न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफेंस टीम इसे रोकने में पूरी तरह से लगी हुई है, और इस मिशन को हमने लोगों से छुपा कर रखा हुआ है। आजकल लोग फेमस होने के लिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ों पर उतर आते हैं। अगर मुझे 5 दिन का वक्त मिल जाए ना, तो मैं एक एक करके इन सब मवालियों का एनकाउंटर कर दूं। स्वाति, कुछ मवालियों का एनकाउंटर करने से तुम पूरे देश को नहीं सुधार सकती। वासु नाम है, बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए हमने ऐसे खतरनाक आदमी को अलग सेल में रखा हुआ है। देखते हैं कितना दम है। क्या वो वाकई इतना खतरनाक है? हाँ सर, बहुत शातिर आदमी है। एक बार तो उसने हद कर दी, अचानक वो जेल से गायब हो गया। ताला लगा हुआ था, सलाखें भी ठीक थी, फिर भी वो भाग निकला। लेकिन आप लोगों को वासु से क्या काम पड़ गया? उससे सर्कस में काम करवाना है। ये तो हमारी इंसल्ट कर रहा है। ये वन साइड मिरर है, वासु हमें देख नहीं सकता। वासुदेव, इस आदमी से डील करने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये जादूगर है और भागने में माहिर है। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसे ये तोड़ ना सके, ना ही वो सलाखें जो इसे कैद रख सके। कुछ समय पहले ये मैजिक शो होस्ट किया करता था, लेकिन बाद में अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके इसने शहर के काले धन वाले लोगों को लूटना शुरू किया। आप सब जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले नाइट क्लब शूटआउट में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए मिनिस्टर का बेटा जिम्मेदार था। उसे बचाने के लिए मिनिस्टर के वॉचमैन के बेटे को फंसा दिया गया, और हादसे में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस एविडेंस रूम में ही रखा गया था। पता है इन लोगों ने क्या किया था? सुबह तक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक ये खराब कैसे हो गया।
साहब हाँ। ये बनना तो मेरे जन्म से पहले ही बंद हो गया था। हाँ। रिश्वत में इतना कमाते हो, नया वाला मंगवा लो ना। चिकन मीट भाई, हमने हैक कर लिया है। Ain't gotta get a clue, high tech clue. He makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain no working. God is on me working there, trying to find him. Don't you dare, don't you dare, don't you dare. He's never been a loser. Yeah, you bet. So, so, so. पुलिस स्टेशन से पाटलिपुत्र रजिस्टर में नाम और सिग्नेचर कर दीजिए। जी राजेश कन्नन। जाइए सर। और पुलिस स्टेशन के आदमी को तुमने अंदर कैसे जाने दिया? वो भी पुलिस वाला है सर। तुमने सिस्टम में वेरीफाई किया? हाँ किया सर। कहाँ है वो अंदर? क्या क्या सर? यहाँ से किसी को बाहर जाने मत देना। ओके सर, गेट बंद कर दो, किसी को बाहर जाने मत दो। सर चलो चलो सर, अंदर चलो। हम लोग किसी को जाने मत देना। तलाशी लो इसकी। इसकी पॉकेट चेक करो। अच्छी तरह तलाशी लो। सब जगह ढूंढ लिया सर, लेकिन गन नहीं मिली। गन मिलने के बाद ही इसे जाने देना। ओके सर। सर गन कोर्ट में पेश कर दी गई है।